जो व्यक्ति रुकावटों से आगे निकल जाते हैं सफलता उसे सलाम करती है। और मैंने देखा कि 15 साल नौकरी करने के बाद, कितना साल, 15 साल नौकरी करने के बाद मैं महीने का 30,000 रुपया कमाता हूँ और यहाँ पर मैंने सिर्फ 4 साल पार्ट टाइम लगाया, 1 से 2 घंटे, 1 से 2 घंटे, 1 से 2 घंटे मैंने लगाया, 4 साल पार्ट टाइम किया और यहाँ तक मैं पहुंच गया। पैसा तेजी से कहाँ बढ़ा? अजी 15 साल से मैं लगा रहा 30,000 रुपया महीना कमाने के लिए, उसके लिए 10-12 घंटा टाइम रोज देना। अब फैक्ट्री लाइन में 10-12 घंटे काम खराब करना नहीं है, वो टाइम निकाल करके आपको आरसीएम में लगा देना है। ये पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? अगर मैं 10-12 घंटे का टाइम फैक्ट्री वाला निकाला हूँ आरसीएम में देता हूँ, पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? मानते इस बात को? बिल्कुल। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर शुरू किया। अब करना क्या है, इसमें पैसा कैसे बचेगा, कैसे बढ़ेगा, जानना चाहते हैं आप लोग? यस या नो? जानना चाहते हैं? चलिए मैं बताता हूं कैसे बचेगा और कैसे बढ़ेगा, राइट? आगे चलते हैं। चीज देखकर इस बिजनेस में आया, कौन सी ऐसी चीज जो मुझे मोटिवेट किया, यहां तक मुझे पहुंचाया, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि आप सही तरीके से इसे समझ लेते हैं तो आपको भी आगे। रुपेश जी साथ फायदे नहीं, हाँ ठीक है, आइए जानते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों दो तरह की दुकानें हैं, इधर दुकान है आरसीएम और इधर दुकान है एक किराना स्टोर की, किराना, इधर किराना स्टोर की दुकान है, इधर आरसीएम की दुकान है। दो तरह की दुकानें बाजार में हैं, आपके ही बाजार में हैं, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप लोग? दो दुकानें हैं। आप जो है राशन यहाँ से बाजार से खा रहे हो, हम यहाँ के बारे में आपको बता रहे हैं, तैयार है सुनने के लिए? मैं कैसे यहाँ तक पहुंचा हूँ वो बताने जा रहा हूँ, इसे थोड़ा भी इग्नोर करोगे तो आप वही रह जाओगे कहां, जहां आज हम पहुंचे। क्यों रह जाओगे? क्योंकि उससे पहले बता दूं, अगर मैं आपको कहूं क्या आपके पास समय है? नहीं है। अगर समय नहीं है तो आपके पास पैसा होना चाहिए, क्या पैसा है? नहीं है। तो क्या है, कब होगा? किसी की मदद करना चाहते हो, ये दो चीज आपके पास होनी चाहिए, समय और पैसा। किसी की भी मदद करना चाहते हो, कहीं भी घूमना चाहते हो, कहीं भी जाना चाहते हो, दो चीज आपके पास होनी चाहिए भरपूर, समय और पैसा। और अभी के टाइम में क्या है, दुख की बात है कि दोनों में से एक भी हमारे पास में नहीं। लेकिन जो सिस्टम बता रहा हूं, जो जानकारी देने जा रहा हूं, उसको अगर आपने सही से समझा, देखा, सुना, तो ये दोनों चीज आपको मिलेगा जैसे मुझे मिला। अब मैं अपनी टाइम अपने हिसाब से खर्च करता हूं, सुबह टेंशन नहीं होती कि मुझे काम पर जाना है, जॉब पर जाना, नौकरी पे जाना, टेंशन नहीं होती है। फुल टाइम काम आरसीएम का करता हूं, लेकिन 4 साल पार्ट टाइम मैंने किया है। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहला फायदा, अगर इस दुकान से सामान लेते हैं तो पहला फायदा मिलता है आपको, सामान 100% शुद्ध मिलता है। क्या बाजार में सामान की कोई शुद्धता की गारंटी है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दूसरा फायदा यहाँ पे मिलता है आपका, आपके नाम से पक्का बिल मिलता है। क्या बाजार में कोई पक्का बिल मिला आपके नाम से? यहाँ जीएसटी बिल आपके नाम से मिलता है, जो कि बाजार में नहीं मिलता। तीसरे नंबर की बात करें, जो भी सामान यहाँ से लेंगे 10% से लेकर 30% आपको छूट पर मिलेगा, डिस्काउंट रेट पर मिलेगा। क्या बाजार में इतना छूट है? नहीं है, कोई नहीं है। जैसे बात करें, अगर सामान बाजार में लेते हैं 100 रुपए का, तो 100 रुपए आपको देना पड़ेगा एमआरपी से, हुआ तो ये सामान। अब यहाँ पर देखिए, अगर वो सामान आरसीएम से लेते हैं इस दुकान से, तो 80 रुपए से लेकर 90 रुपए में आपको मिलेगा, पक्का बिल के साथ मिलेगा, इस दुकान से मिलेगा। सामान यहाँ से सस्ता हुआ कि महंगा हुआ? सस्ता। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा। क्या लेना चाहिए? फायदा लेना चाहिए। फायदा लेना चाहिए। चौथा नंबर बात की बात करें, तो यहाँ से लेंगे तो आपको 2% से लेकर के 22% आपके अकाउंट में परफॉर्मेंस बोनस आता है, जो कि बाजार से कोई पैसा आया किसी को? तेल मसाला हल्दी नीमक चाय पत्ती खाए कभी आया? नहीं आया। यहाँ से मतलब 5 रुपया अकाउंट में आ जाएगा। जो सामान 100 का था वो कितने का पड़ गया यहाँ पे? 75। अगर 100 रुपया में बचत की बात करें, कितना बचा? कम है क्या? अगर आपका 100 रुपये था, 20-25 रुपया बचत हो गया, आपके नाम से पक्का बिल मिल गया, ये नुकसान हुआ कि फायदा हुआ दुकान बदलने से? इस दुकान से सामान लेने की बात किया हूँ। नंबर 5, सामान आपको एक रेट पर मिलेगा, आप पूरे भारत में कहीं से लीजिए, एक रेट पर सामान मिलेगा, होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। 500 का प्लस सामान मंगाइए, होम डिलीवरी कोई चार्ज ही नहीं लगता, जो कि बाजार में एक रेट पे सामान, दुकान बदलो रेट बदल जाते हैं, ऐसा नो? बदल जाते हैं।
नंबर छह, सामान जो भी इस दुकान से आप लेकर जाएंगे या ले आएंगे, 30 दिन की सामान की मनी बैक गारंटी मिलती है। क्या बाजार से कोई गारंटी मिली? No. कभी नहीं। क्या बाजार में वापसी हो सकता है? No. यहाँ 30 दिन के बाद, मतलब 25 दिन के बाद भी वापसी है, एक महीने के अंदर में। नंबर सात और आखिरी बात, अगर इस दुकान से आप सामान खाते रहे लगातार 6 महीना, कितना महीना? 6, तो 1 महीना राशन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। क्या बाजार से मिला? No. नहीं मिला। अब आप लोग सोचिए, आप लोग बताइए, ईमानदारी से बताना, जहां पर आपको राशन लेने से खाने से सात तरह का नुकसान हो रहा है, सामान वहां से लेना चाहिए या जहां से आपको सात तरह का फायदा हो रहा है सामान वहां से लेना चाहिए? जहां फायदा हो रहा है, फायदे के लिए तो इतनी दूर से चलकर कमाने आ गए। एक एक रुपया बढ़ाने के लिए, रेट बढ़ाने के लिए हम लड़ाई कर लेते, झगड़े कर लेते, मनमुटाव हो जाता, काम तक छोड़ देते फैक्ट्रियों में, रेट नहीं बढ़ रहा। सोच करके देखो, अगर आप अपने जेब से मोबाइल निकाले और 10 रुपया आपका जमीन पर गिर गया, आपने उसको देख लिया, क्या आप किसी को उठाने दोगे? हाजी नो, नहीं उठाने दोगे, 10 रुपया है, नहीं उठाने दोगे ना? आपने मोबाइल निकाला, 10 रुपया नोट निकला और जमीन पर गिर गया, आपने देखा, उठाने दोगे किसी को? 10 रुपया नहीं उठाने दे रहे हो, लेकिन अनजाने में आपके जेब से आपका कमाया हुआ पैसा हजारों रुपया मार्केट में, बाजार में जा रहा है, आप उसे रोक नहीं पा रहे हो। वही पैसा मैं रोकना चाहता हूं, ताकि बूंद बूंद से घड़ा भरे, आज से बेहतर आप बन जाए, वही पैसा मैं रोकना चाहता हूं। पैसा बचाना चाहिए कि नहीं? बचाना चाहिए ना? Yes. दोस्तों, ये पैसा अगर आपने बचाना शुरू कर दिया तो एक दिन धीरे धीरे करके ढेर सारा पैसा हो जाता है। मैंने बचाना शुरू किया, अपनी सेहत मेरी ठीक होने लग गई, मेरा पैसा बचने लग गया, पैसा बढ़ने लग गया, और ऐसी कगार पर आ गया मैं, ऐसी जगह आ गया कि अब इस काम को फुल टाइम करता हूँ, इधर उधर कहीं जाने की जरूरत, और लगातार पैसा बढ़ रहा है। अब एक चीज और बताओ ईमानदारी से, अगर हम आरसीएम नहीं करते तो क्या करते? क्या करते हैं हम? वही करते हैं ना? Yes. उस काम को तो दादा भी किए, परदादा भी किए, पापा कुछ हुआ नहीं। आज अगर हम 34 साल की उम्र में अगर आज हम जॉब से आजाद हो गए, अपनी फैक्ट्री लाइन से आजाद हो गए, नौकरी से आजाद हो गए, फुल टाइम इस काम को करते हैं, आप लोग ईमानदारी से बताना, क्या मेरा बेटा कभी नौकर बनेगा किसी का? हाजी no. no. आप लोग में से कितने लोग अपने बेटे को नौकर बनाना चाहते हैं? इसीलिए मैं ऐसा पूछता हूँ, कई बार होते हैं हम यहाँ, लेकिन ये कहीं और होता है। आप लोग नौकर बनाना चाहते हो? No. क्या नौकर वाली जिंदगी अच्छी है? No. यार, जब प्लेटफार्म हमको मिल गया है आजाद होने वाला, जब प्लेटफार्म हमको मिल गया नौकरी से आजाद करने वाला, ये मैं नहीं कहता हूँ कि अभी छोड़ दो, अभी करो, पार्ट टाइम इसे करो, पार्ट टाइम बिल्ड करो, क्योंकि मैंने पार्ट टाइम इसे किया, फुल टाइम होजरी किया, पार्ट टाइम आरसीएम किया, संडे वाले दिन आरसीएम किया, और पार्ट टाइम करते करते आज फुल टाइम आ गया, अब होजरी में जाने की जरूरत। कितनी ताकत इस सिस्टम में, 15 साल से नौकरी कर रहा था, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई ऐसा जरिया।